कोटा में मॉडिफाइड लॉकडाउन पुलिस के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। यहां पर लोग बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं, जिससे पुलिस को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गलियों और मुख्य सड़कों पर भी लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इसी बीच मॉडिफाइड लॉकडाउन के हालातों का जायजा लिया हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज ने। कोटा शहर में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ ऐसे इलाके हैं जो कोरोना हॉटस्पॉट बने हुए हैं, जहां पर महा कर्फ्यू लगाया गया है। मॉडिफाइड लॉकडाउन की कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। मॉडिफाइड लॉकडाउन सबसे होता नजर नहीं आ रहा है। सामने की तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हो किस तरह से लोगों की आवाजाही हो रही है, और आवाजाही के साथ यहाँ पर लगातार लोग प्रवेश कर रहे हैं और लगातार लोगों को आने जाने दिया जा रहा है। सामने की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे किस तरह से गलियों में भीड़ लगी हुई है। तो मॉडिफाई जो लॉकडाउन की जो पालना है वो कहीं से भी दिखती नज़र नहीं आ रही है। लोग अनावश्यक काम होते हुए भी घरों से बाहर निकल रहे हैं और कोरोना को हल्के में ले रहे हैं। जिला प्रशासन को ये सोचना होगा कि कहीं ना कहीं जो मॉडिफाई लॉकडाउन है उसके लिए कहीं ना कहीं सख्ती से पालना की जाए। आप साफ तौर पर सामने की तस्वीरें देख सकते हो किस तरह से पुलिसकर्मी इस भीषण गर्मी में एक टेंट का सहारा लगाकर अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। ये वो कोरोना योद्धा हैं जो लगातार मुस्तैदी से अपना काम करना चाहते हैं, मगर कहीं ना कहीं जब से मॉडिफाइड लॉकडाउन की शुरुआत हुई है तो कहीं ना कहीं पुलिसकर्मियों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज की एक और जानकारी बताएं, कोटा को शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है और शिक्षा नगरी के नाम से जाने के साथ ही आज मध्य प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार ने एक सामूहिक प्रयास किया है जिसमें 100 से अधिक बसें यहाँ पर बुलाई जाएगी और जो कोचिंग कर रहे जो छात्र हैं उनको यहाँ से मध्य प्रदेश ले जाने के लिए एक मुहिम चलेगी और यहाँ से 100 बसों के जरिए 3500 छात्रों को मध्य प्रदेश भेजा जाएगा। मगर कहीं ना कहीं जो मॉडिफाइड लॉकडाउन है वो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी सरदर्द बनता जा रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ राजेंद्र भारद्वाज A1 के लिए कोटा से।